अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज मैं चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 8 के साथ हाजिर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो सबसे पहले है ये देखिए, हमने पिछली वीडियोस में भी देखा कि ये क्यू है, चाइनीज के अंदर क्यू को 6 से प्रोनाउंस किया जाता है। छतरी वाला जो 6 है, क्यू को इस तरह से बोला जाता है। तो क्यू आई यानी छी, ठीक है। छी मीन हमने देखा था 7। तो इसी तरह अगर इसके साथ ng लग गया, क्यू आई एन जी, तो ये क्या बन जाएगा? छिंग, छिंग, छिंग मीन प्लीज या मेहरबानी, ठीक है। छिंग मीन प्लीज, छिंग मीन प्लीज, ठीक है। अगर आप मेहरबानी करना चाहते, मेहरबानी करके कोई काम करवाना चाहते हैं, मेहरबानी कहना चाहते हैं या प्लीज कहना चाहते हैं, तो चाइनीज के अंदर क्या है? छिंग, छिंग। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास जेड यू ओ, इसको कैसे पढ़ेंगे? जो, 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 जो मीन टू सिट, टू सिट मीन यानी बैठना या बैठ जाओ, ठीक है। जो, 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 जो मीन टू सिट यानी बैठना या बैठ जाओ। तो अगर हम इसको इकट्ठा कर दें, यानी जो पहले पीछे देखा छिंग और ये जो जो, तो ये क्या बन जाएगा? छिंग जो, छिंग जो यानी प्लीज सिट, प्लीज सिट, प्लीज सिट डाउन, ठीक है। छिंग जो, छिंग जो। तो जब भी हम किसी को बैठने के लिए कहेंगे तो हम साथ ये छिंग लाजमी लगाएंगे। वैसे तो जो का मतलब भी यही है, बैठ जाओ, लेकिन जो किस तरह से आ जाता है जब आप किसी से गुस्से में बात करें, सो बैठ जाओ। लेकिन अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप कहते हैं प्लीज बैठ जाएं, ठीक है। ज्यादातर हम बैठने के लिए छिंग लगाते हैं, छिंग जो, प्लीज सिट डाउन, ठीक है। या आप जो भी खाली लगा सकते हैं। तो क्या हो गया? छिंग जो, प्लीज सिट। उसके बाद है जी नेक्स्ट, ये देखा हमने क्यू आई यानी छी, एल आई ली, तो क्या बन गया? छी ली, छी ली मीन इसका क्या है, मतलब क्या है? टू स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ठीक है। छीली, छीली यानी टू स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ठीक है। छीली, छीली, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास एम ई एन, मन, जिस तरह हम पढ़ते हैं ना रन, इसी तरह मन, एम ई एन, मन, मन। मन को हम इस्तेमाल करते हैं जी सिंगुलर यानी वाहर को प्लूरल यानी जमा में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए, टू कन्वर्ट सिंगुलर टू प्लूरल, ठीक है। वाहद को जमा बनाने के लिए, वो वाहिद कौन से हैं जिनको जमा बनाना है वो अभी हम देखते हैं। यानी इसको हम कैसे बोलेंगे? मन, ठीक है। तो हमने देखा पिछली वीडियोस के अंदर कि वा यानी आई यानी मैं, नी यानी यू यानी तुम, था यानी ही शी इट मीन वो, ठीक है। तो हम सिंगल बंदे के लिए तो वाह कह देते हैं, लेकिन अगर सिंगल से दो बंदे हो गए तो हम क्या कहते हैं? हम, वी। नी सिंगल बंदा आया तो हम कहेंगे नी, यू। अगर दो बंदे खड़े हुए हैं, दो से ज्यादा खड़े हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे? दो या दो से ज्यादा, तो हम क्या कहेंगे? यू, यानी वो ज्यादा हो गए तो हमने क्या कहेंगे, समझ रहे हैं आप? वो भी हम देखते हैं। इसी तरह अगर कोई सिंगल बंदा खड़ा है तो हम उसे कहेंगे ही, लेकिन अगर ज्यादा खड़े हुए हैं दूर तो हम उन्हें क्या कहेंगे? दे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, अगर हमने वा, हमारे पास वा था यानी आई, उसके साथ अगर हम मन लगा देंगे, वा मन, तो ये बन जाएगा वी, ठीक है, वी यानी हम। इसी तरह था यानी वो, उसके साथ मन लगा दिया, ये बन गया था मन दे, ठीक है। इसी तरह नी सिंगल पर्सन के लिए, अगर ज्यादा बंदे हैं तो नी मन यू, वा मन, था मन, नी मन, वा मन, था मन, नी मन, वा मन यानी वी, था मन यानी दे, नी मन यानी यू, ऑल सबके लिए, ठीक है। अब इसका यूज देखते हैं। तो हम जब दो बंदे सिंगल खड़े हुए हैं आपस में, तो वो कैसे ग्रीट करते थे? वो कहते थे नी हाओ, तो
तो रिप्लाई भी क्या आता था, नी हाओ। लेकिन अगर एक से ज्यादा बंदे हो गए हैं तो अब कैसे ग्रीट करेंगे, नी मन हाओ, यानी नी के साथ मन लगा दिया। तो मैंने कुछ अभी हम एग्जांपल से देखते हैं, आपको ज्यादा समझ आएगी। ये देखें, ये इधर एक बंदा है और इधर भी एक बंदा है, ये इसे कैसे ग्रीट करेगा, सलाम करेगा, ये कहेगा नी हाओ, तो ये रिप्लाई क्या करेगा, नी हाओ, ठीक है। लेकिन देखें, अब इधर ये सिंगल बंदा है और इधर ज्यादा बंदे हो गए हैं, तीन बंदे हो गए हैं, तो अब ये सिंगल बंदा तीन बंदों को कैसे ग्रीट करेगा, ये कहेगा नी मन हाओ, ठीक है। यानी नी के साथ उसने क्या किया, ये जो नी था इसके साथ उसने मन लगा दिया, क्योंकि आ गया आगे ज्यादा बंदे हैं, तो कैसे हो गया, नी मन हाओ, नी मन हाओ। अब ये तीन बंदे हैं लेकिन इधर तो सिंगल पर्सन है, तो अब ये इसको कैसे ग्रीट करेंगे, ये कहेंगे नी हाओ, यानी ये सिंगल बंदे को सिंगल के साथ ही ग्रीट करेंगे, यानी ये नी मन हाओ और ये नी हाओ। उसके बाद ये देखें, अब ये दो बंदे हैं इधर और इधर भी दो बंदे हैं, यानी इधर भी मल्टीपल हैं, प्लूरल हैं, इधर भी मल्टीपल हैं, अब ये कैसे ग्रीट करेंगे, ये करेंगे नी मन हाओ, तो ये भी रिप्लाई क्या करेंगे, नी मन हाओ, क्योंकि इधर भी एक से ज्यादा बंदे हैं, ठीक है, दोनों तरफ एक से ज्यादा बंदे हैं, इसलिए नी मन हाओ और ये भी नी मन हाओ। अब जी ये देखें, यहां पे सिंगल बंदा है और ये मल्टीपल बंदे हैं, अब ये इनसे कहता है नी मन हाओ मा, आप सब कैसे हैं, आप कैसे हैं, नी मन हाओ मा, कहता है आप कैसे हैं, तो ये क्या रिप्लाई करेंगे, वा मन हन हाओ, हम ठीक हैं, समझ आ रही है, वो अपना बता रहे हैं, अपने हम अपने अपना सब लोगों का बता रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कर रहा है नी मन हाओ मा, आप कैसे हैं, तो ये क्या जवाब देंगे, वा मन हन हाओ, ठीक है। इसी तरह ये इनसे पूछता है जी, नी मन शांति हाओ मा, आपकी सेहत कैसी है, यानी तीनों की, नी मन शांति हाओ मा, आपकी सेहत कैसी है, तो ये कैसे जवाब देते हैं, वा मन शांति हन हाओ, हमारी सेहत ठीक है। जिस तरह के क्लासरूम के अंदर जब टीचर आते हैं वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या हेलो, तो सब इकट्ठे जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम, तो इसी तरह वो कहते हैं आप सब कैसे हैं, वो तो बच्चे कैसे रिप्लाई देते हैं, हम सब ठीक हैं इकट्ठे मिलकर, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से ये भी, तो ये क्वेश्चन पूछता है नी मन शांति हाओ मा, इन सब से, तो ये क्या जवाब देंगे, वा मन शांति हन हाओ, हम सब हमारे हम सब की सेहत ठीक है, हमारी सेहत ठीक है। अब इधर देखें, दो बंदे हो गए, इधर सिंगल पर्सन है, तो ये दो बंदे हैं बेशक लेकिन इधर सिंगल पर्सन है, तो अब ये इसका हाल कैसे पूछेंगे, ये कहेंगे नी हाओ मा, आप कैसे हैं, ठीक है। ये दो बंदे हैं लेकिन ये इधर तो सिंगल है ना, जिससे क्वेश्चन करना है वो सिंगल है, तो ये कैसे क्वेश्चन करेंगे, नी हाओ मा, आप कैसे हैं, तो ये कैसे आंसर करेगा, वाहन हाओ, मैं बहुत अच्छा हूं, वाहन हाओ, मैं बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों आपने देखा कि इस वीडियो के अंदर हमने बैठना और खड़े होने के साथ साथ जो हमारे पास मन, यानी वी दे यू, इसकी भी प्रैक्टिस की, क्योंकि ये जो वर्ड मैंने मन वाले जो आपको लास्ट में बताए हैं, वा मन, था मन और नी मन, इनका बहुत ज्यादा यूज होता है और ये डेली लाइफ में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इसकी आपको मजीद प्रैक्टिस करवाऊंगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को।